Welcome all in webinar series of Beyond Imagination and thank you for your huge responses जिसकी वजह से आज का ये वेबिनार हमें YouTube लाइव करना पड़ा। आज भी मैं देख पा रही हूँ कि 9500 व्यूअर्स हमें लाइव देख रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने वेबिनार में देश विदेश की जानी मानी हस्तियों से आपको मिलाते हैं ताकि आप उनकी सक्सेस स्टोरी और उनके जीवन से प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकें। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे इस वेबिनार में मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शी इज नन अदर देन द मोस्ट बिलव्ड वुमेन ऑफ इंडिया, अनस्टॉपेबल शर्मिला ओसवाल। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आपको उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी रहेगा कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करके या कठिनाइयों को सफलता की सीढ़ी बनाकर भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपनी प्रतिभा के सूरज से प्रकाशित किया। इसीलिए किसी ने सही कहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मिसेस शर्मिला ओसवाल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेम। शर्मिला जी को देश और विदेश में प्रतिष्ठित पुरस्कारों और संज्ञाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आइए, आज शर्मिला जी हमारे वेबिनार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में। तो शर्मिला जी, प्लीज टेल अस अबाउट योर सक्सेस स्टोरीज। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं शर्मिला ओसवाल, आई एम नोन एज अ वाटर डिप्लोमैट फ्रॉम USA, वाटर लीडर फ्रॉम NUS सिंगापुर, प्रेजेंटली रनिंग ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन जिसमें हम वाटर सिक्योरिटी, वाटर रिवाइवल, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम्स है उस पर काम करते हैं। बीसाइड्स दैट, आई वॉज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ लॉ स्कूल अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एंड आई वॉज अ टीचिंग फैकल्टी एट ILS लॉ कॉलेज, सिम्बियोसिस, मेनी रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली ऑल्सो बींग अ चेयरपर्सन ऑफ JITO, Jain International Trade Organization, dealing with the all business community. And I've been very pleasure and thankful to Beyond Imagination for inviting me here and asking me and giving me this platform to share my experiences in this COVID times. Sharmila ji, aapki success story meri aur hamare viewers ke liye badi hi inspiring rahi. To अब हम अपना समय ना गवाते हुए आज के वेबिनार के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है वॉरियर इन मी, विपत्ति के समय आंतरिक शक्ति की तलाश। तो शर्मिला जी, आप हमें बताइए, व्हाट इज इनर पावर एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आवर इनर पावर? वेल, एज यू ऑल आर सीइंग एंड वी आर ऑल विटनेसिंग नाउ, वी आर इन द सीरीज ऑफ लॉकडाउन, वी आर सराउंडेड बाय ऑल दिस डार्कनेस, वी आर फीलिंग frustrated, we are in the times of where we have never imagined. In fact, historically we have never ever witnessed this kind of times what today we are seeing. ये time ऐसा है कि जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमें ये पता होता तो हम इसके लिए तैयार थे, क्या इसके लिए हमने कुछ तैयारियां की थी, नहीं की थी। हमारा जन्म जो हुआ है बहुत जो मतलब एक स्पिरिचुअलिटी होती है, तो जिसके अंतर्गत ये एक थॉट प्रोसेस होती है कि बहुत सारे भवों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला है तो हम इस जीवन को समझते समझते इतना लेट कर देते हैं कि जिंदगी हमारे हाथ में से छूट चली जाती है। आप इमरान खान को देख लीजिए, द बेस्ट एग्जाम्पल। इमरान खान को जिंदगी जब तक समझ में आई तब तक जाने का टाइम हो गया। बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज शेयर किया था इन दिनों में कि ट्रेन में बैठे थे और टीसी उनके पास आए और देखते देखते टीसी ने कहा कि भाई आपका तो स्टेशन आ गया है, और इमरान खान वॉज नॉट रेडी फॉर इट कि नहीं मेरा तो अगला स्टेशन है, पर उनको बीच में ही उतरना पड़ा। तो यही हालात, यही सिचुएशन हम सबके ऊपर लागू होती है। तो इस COVID-19 में जो हालात है, इस सारे टाइम को हमने इसे कोरोना 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 कह के इसे निगेटिव स्वरूप में ना देख के अगर इसे इस टाइम को हम पॉजिटिवली ले, क्योंकि आज के पहले हमें कभी वक्त ही नहीं मिला है। हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे, इतनी सारी रैट रेस है, उस रैट रेस में स्कूल्स रहने दो, कॉलेजेस रहने दो, करियर रहने दो, आपकी वैयक्तिक लाइफ है, जीवन है, उसमें हम पागलों की तरह दौड़ रहे। तो ये जो दौड़ है, देखो जैसे भगवान ने भी कहीं सुन लिया कि आपको रुकने की जरूरत है। वेल, कोरोना के रूप में हम जरूर इसे नहीं चाहते थे कि
कि आज ये सफरिंग्स बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, एक बहुत अंधेरा छा गया है, पर इस कोरोना टाइम में आज एक पॉज है, एक साइलेंस आ गया है। इस साइलेंस में हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जीवन में हमें क्या चाहिए, हकीकत में हम क्या बनना चाहते हैं, या जीवन ने हमें, मान लो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रही है जो पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे ड्रीम्स थे जो नहीं हुए हैं, तो इन सारी चीजों को समझना, उसके ऊपर काम करना, उस साइलेंस को एहसास करना, इसीलिए शायद ये COVID-19 का टाइम है और जिसे हमने एक साइलेंस के रूप में हमने उसे एक्सपीरियंस करना है। तो शर्मिला जी, आपने ये जो इनर पावर के बारे में मुझे बताया, इससे अभी तक मैं ही नहीं, हमारे व्यूअर्स भी अनजान थे, और जैसा कि आप जानते हो अभी कोरोना संकट का समय चल रहा है, तो इस महामारी को लेकर हम अपनी अंतर शक्ति से कैसे अपने आप को सशक्त बनाकर इस महामारी, इस संकट के समय से निकाल सकते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हम सारे इस रैट रेस में भागते 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 ब्लैंक हो गए हैं, हमें खुद को नहीं पता हम कहाँ हैं। तो इस कोविड टाइम्स में हमें खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। वी विल हैव टू डिस्कवर अवर सेल्फ। अब खुद के डिस्कवरी कैसे की जाए? पेपर पेन लेके हमें रोज हमारे थॉट प्रोसेस को लिखना होगा कि हम क्या थे, जन्म हुआ, हमने स्कूलिंग की, हमने कॉलेज की, बहुत बार कोई ऑप्शंस हमें मिले नहीं मिले, तो वो जो इनर पावर है हमारे अंदर की, हमारे अंदर बहुत सारे जज्बे हैं पर उन्हें हम कभी समझ नहीं पाए, उनके बारे में हमने कभी चिंतन नहीं किया, हमने कभी मनन नहीं किया, तो ये इनर पावर जो है हमारे अंदर है, हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर विल पावर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये इतना स्ट्रांग अंदर में रहता है जिसे हम कभी समझ नहीं पाए हैं। तो ये पावर विद इन को अनलिश करना है। तो सबसे पहले आपके जीवन का विजन क्या है, आपके जीवन के गोल्स क्या है, आपके जीवन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब हम ये सवाल किसी को करते हैं, दिखने में ये सवाल बड़े आसान लगते हैं पर ये आसान है नहीं। जब हम ये सवाल करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि अरे मतलब इसका क्या जवाब हो सकता है, पर आज अगर हम, मैं आपको पूछूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है या व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट आंसर। आप एक सेकंड में या एक मिनट में या पांच मिनट में भी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस करनी होगी। तो इतने सारे जीवन में हमें ये सवाल उन्हें क्यों नहीं घुरेगा, क्यों नहीं हमें टटोला कि जीवन में हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, या बस भाग रहे हैं, फ्रेंड्स भाग रहे हैं, पड़ोसी भाग रहे हैं, जिस सर्कल में है, कलीग्स भाग रहे हैं, उनको देख के हम सिर्फ भाग ही रहे हैं। तो इस इनर पावर को बाहर निकालने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, हमें खुद का स्टडी करना होगा, हमें खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, एंड दैट इंट्रोस्पेक्शन ऑल्सो हैज टू बी वेरी इन डेप्थ विद द इनसाइट्स। जिस इंट्रोस्पेक्शन के बारे में मैं बता रही हूँ, वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत अनिवार्य है। हमारे जीवन में इस कोविड आने से पहले आप अगर देखेंगे, 365 दिन में हमारी जिंदगी का जो एक रूटीन रहता था, फेस्टिवल, शादी ब्याह, फ्यूनरल्स, बर्थडे, इस सारी चीजों में हम इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, इवन शॉपिंग और शॉपिंग वार्डरोब्स भरे जा रहे हैं, घर में इतनी सारी अनचाही चीजों का कलेक्शन करते जा रहे हैं। इस कोविड टाइम्स में आप अपने वार्डरोब को खोल के देखिए या इन सब चीजों को देखिए कि आपने जीवन में इतना कुछ संचित कर लिया है और इसका क्या यूज है, और 365 दिन में आपने इतना सारा टाइम शादी ब्याह में, सब ओकेजन्स, प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, इन सब में दे दिया, तो खुद के लिए आप कब जिए? क्योंकि इस सारे भागदौड़ में आपको पता ही नहीं चला कि जीवन कब चला गया। जब आप स्कूल में हैं तो आपको 10th का बर्डन है, आप 12वीं हो गए, कॉलेज हो गया, पास होने का बर्डन, एडमिशन का बर्डन, सारे अगर आपको अब्रॉड जाना है तो उसके बर्डन, प्रेशर्स, ये करते करते फिर जॉब का प्रेशर, करियर का प्रेशर, ये सब करते करते आप 25 तक आ गए, 25 से 30 तक आ गए, फिर मैरिज, मैरिज इज अनदर चैलेंज बट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ लाइफ, तो वो करते करते आप उस पूरी, अगर आप फेज देखेंगे लाइफ की, वह मैरिज, मैरिज में सेटल होते होते बंदा 40 का हो जाए, 40 से फिर 45, तो बस यू आ जाए, तब तक आपका घर बना,
आपकी सारी जो रोजमर्रा की चीजें है, सेटलमेंट की चीजें आपने वो बना ली, और देखते देखते सारी बीमारियों को आपने बीमारियों का घर बन गए। तो इसमें आप अपने लिए जिए कब? तो इसीलिए आपको ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि अब मेरे पास जो टाइम है, मैंने अपने खुद के साथ, इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन बनाना है, अपने आप के साथ एक फ्रेंडशिप बनानी है, एक अपने खुद के शरीर को, बॉडी को टेम्पल समझना है, और अपने अंदर के आत्मा को, सोल को जो अंदर है, उसे ही भगवान समझना है। और उसे समझ के अगर हम इनर सेल्फ के साथ अगर सही कनेक्शन बनाएंगे, तो ये कोविड टाइम्स तो क्या, ऐसी कितनी सारी महामारियां आएंगी जाएंगी, हम एक सक्षम बनेंगे, नीडर बनेंगे, हम इसका सामना कर सकेंगे। और वही हमारे अंदर की इनर पावर है, और उस इनर पावर को जगाने के लिए डिस्कवर योर सेल्फ, डिक्लटर योर सेल्फ। आपके आसपास के सारे क्लटर को हटा दीजिए, अंदर झांकिए, डिस्कवर योर सेल्फ। वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू लिसन योर वर्ड्स ऑफ विजडम। तो शर्मिला जी, लास्ट में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस कोरोना संकट की महामारी से उभरने के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगी? वेल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यस, आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ वॉरियर थ्रू आउट माई लाइफ। मेरा जन्म एक, जिसे कहा जा सकता है, आई बॉर्न एज अ अनवॉन्टेड गर्ल चाइल्ड। तो जन्म होने पर कोई खुशियां हुई नहीं ऐसे, या बहुत कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं हुई, एंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। एंड आई बिलोंग टू, मैं एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव राजस्थानी फैमिली से हूँ, एंड बींग सिक्स सिबलिंग्स दैट टाइम्स एंड फोर्थ गर्ल चाइल्ड वॉज डेफिनेटली नॉट अ हैप्पी टाइम्स इन माई फैमिली। तो जो मैं बचपन से बड़ी हुई, तो यू नो द थॉट प्रोसेस इज ऑलवेज कि घर के किसी कोने में इस तरह बड़ी हुई कि पता ही नहीं चला कि बचपन कैसे गया। पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ कि मैं वॉरियर कैसे बनी। थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे बाल भारती, मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ, थर्ड स्टैंडर्ड बाल भारती में लोकमान्य तिलक का चैप्टर था, जिसमें एक बहुत स्टेटमेंट था कि स्वराज यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगा। वो सेंटेंस ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मेरे लाइफ को बहुत इंस्पायर किया। मैंने उस सेंटेंस को अपने घर के, जहां मैं पढ़ाई करती थी अपने कमरे में, वहां मैंने वो दो लाइनें लिख दी कि स्वराज की जगह मैंने उसे बदल के शिक्षण कर दिया। क्योंकि मैं जिस गांव से हूं, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, बहुत छोटा सा गांव जहां 70 घर, उस घर में जन्म हुआ और कोई फैसिलिटीज नहीं, स्कूल में भी 7th-8th स्टैंडर्ड तक बेंचेस नहीं थे, और जो गोबर लाते थे उस गोबर से काउडंग जो होता है उससे हम वो लिपापोती करते थे, उसके ऊपर मार्क्स मिलते थे। तो और इंग्लिश की शुरुआत हुई 8th स्टैंडर्ड में, दिस इज गोपाल, दिस इज सीता, आई सिट, आई गो, ये सब चालू हुआ 10th स्टैंडर्ड में। सो कमिंग फ्रॉम दैट मराठी मीडियम एंड थर्ड स्टैंडर्ड में ये सपना देखना कि स्वराज की जगह एजुकेशन, शिक्षण यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगी। क्योंकि मैंने अपने घर में, आसपास में, सब जगह जो देखा था कि स्त्रियों का शिक्षण नहीं होता था, मेरी अपनी बहनें, भाभियां या मेरे आसपास का जो माहौल था, पढ़ाया नहीं जाता था, स्कूल में नहीं भेजा जाता था, 10th तक की स्टडी होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो उन सारे हालात में उस सब को फेस करके मैंने अपने आप से कसम खा ली थी। मैं जब भी अपने छत पे से जब प्लेन को देखती थी, विमान जिसे हम कहते हैं, जिसे देखती थी, तो मैंने अपने आप में कसम खाई थी कि एक दिन तो मैं इस एरोप्लेन में जरूर बैठना है, मैंने परदेश जाना है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म मेरे ही रीजन में हुआ है, रायगढ़ जिला से है वो, उसी जिला से मैं भी बिलोंग करती हूँ। तो उनका जो बैरिस्टर होना था, उस चीज ने मुझे प्रेरित किया थर्ड स्टैंडर्ड में कि स्वराज की जगह मैंने शिक्षण बदल दिया, और अपने नाम के पीछे मैं बैरिस्टर लगाती थी, दीवारों पे हर जगह लिखती थी बैरिस्टर शर्मिला जैन, मेरा मेडन नेम है शर्मिला जैन, जो कि शादी के बाद ओसवाल हुआ है। तो हर जगह मैंने स्कूल टाइम्स में जिस इनर पावर की हम बात कर रहे हैं, यही है वो इनर पावर कि मैंने स्कूल टाइम्स में अपने नाम के पीछे बैरिस्टर लगाना शुरू कर दिया था। अब आप सोचिए, एक ऐसे राजस्थानी कॉन्जर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली में जन्मी, जहां कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, जहां स्त्रियों को या घर की औरतों को चौखट के आगे, चूल्हे के आगे वो नहीं आती थी,
उस माहौल में यह सपना देखना कि मैंने इंग्लैंड जाके बैरिस्टर बनना है, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सारे लोग हंसते थे, मेरी सहेलियां हंसती थी, लोग हंसते थे। मेरे माता पिता का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। मेरे दादी दादा बहुत कॉन्सर्वेटिव रहे हैं, पर मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में जो संस्कार और जो मूल्य आए हैं वो मेरे माता पिता की वजह से आए। मेरे माता पिता ने मुझे वो एक स्ट्रांग फाउंडेशन दी। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मैं हर चीजों में अव्वल आती थी, क्योंकि दिमाग में जुनून था, एक ये एक जज्बात इतने स्ट्रांग थे कि मुझे कैसे भी करके टॉप करना है, या मैं ऐसा क्या करूं जिससे समाज, घर, परिवार मुझे उत्तेजन दे, मुझे आगे पढ़ाए। तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि मैं टॉप ना आऊं। हर चीज में मैंने टॉप आना शुरू कर दिया, वो इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, वक्तृत्व स्पर्धा, खेल हो, कुछ भी, कोई भी स्पर्धा हो, मैं हर एक में टॉप आना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हंसते थे, मजाक करते थे, पापा को बोलते थे अरे तुम्हारी बेटी तो भाग जाएगी। पर इस सारी चीजों को मेरे पापा ने भी मुझे एक बहुत अच्छा एक सबक सिखाया कि तुम खुद एक हाथी हो, तुम जब बाजार से गुजरोगी तो हजारों कुत्ते तुम पे भूकेंगे, पर अपने आप को हमेशा हाथी ही समझना। और ये फीलिंग, ये थॉट प्रोसेस, यह इनर पावर बनके मेरे अंदर कल्टीवेट हो गया। उस चीज ने मेरे अंदर इतना कूट कूट के मेरे खून के हर जर्रे में वो आ गया कि मेरे अपने दिमाग ने, जहन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जिंदगी में तो मैं बैरिस्टर बन के रहूंगी। कुछ भी हालात आए, एजुकेशन आसानी से नहीं हुआ, घर के हालात बहुत विरोध में थे, मेरे भाई साहब, दादी दादा, ग्रैंड पेरेंट्स, पर इसके बावजूद भी सारे संघर्षों के बाद लॉ की डिग्री मैंने हासिल की। तब मेरा पूरा शिक्षण स्कॉलरशिप पे है। लॉ में एडमिशन भी जो था वो आसानी से नहीं हुआ, उस जमाने में 300 रुपए की फी हुआ करती थी। आईएलएस लॉ कॉलेज, एशिया का सबसे टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज, जिसमें प्रिंसिपल ने ही मुझे गोद ले लिया, उन्होंने जब देखा कि एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। उसी दौरान घर के हालातों की वजह से शादी हुई, पर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, माइलस्टोन, कि जिससे शादी हुई उन हस्बैंड ने मुझे जिंदगी में जो सपोर्ट और मेरे बैकबोन और मेरी फाउंडेशन बन के वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। शादी के बाद एक राजस्थानी फैमिली में शादी के 2-7 बाद इंग्लैंड जाना, या वो टाइम में कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो सोचिए एक पत्र जो कि इंग्लैंड जाएगा 2 महीने, आने का टाइम, तो ये सब दो महीने का टाइम पीरियड अगर एक पत्र को लगता है तो वो सोचिए कि इंग्लैंड से एडमिशन लेके स्कॉलरशिप लेना। उस टाइम पे 28 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली मुझे LLM इन इंटरनेशनल लॉ के लिए, और उसके लिए मेरे हस्बैंड का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा। मैं सबको कहना चाहूंगी कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला होती है, मेरे इन सारे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। शादी के 2 साल बाद जब इंग्लैंड गई, और इंग्लैंड जाने के बाद एक नई दुनिया, मराठी मीडियम का बैकग्राउंड, और इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करना आसान नहीं था, वापिस चैलेंजेस, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहले सेमेस्टर में फेल भी हो गई, पर ये सारी चीजों ने अंदर से एक बहुत इनर पावर इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं, मैं किस लिए आई हूं यहाँ पे, मैं आई हूं, मैं भारत का नाम रोशन करने आई हूं, मैं अपने समाज का नाम रोशन करने आई हूं, मैं देश का नाम रोशन करने आई हूं, और मैं वो हिंदुस्तान की बेटी है कि ब्रिटिश टाइम 150 साल से भी ज्यादा हमारे ऊपर रूल किया है, तो क्यों ना मैंने उन्होंने दी हुई स्कॉलरशिप, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ लंदन की स्कॉलरशिप, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, और उस चीज ने मुझे एक प्राइड दिया कि मैं बहुत मुश्किलों से यहां तक आई हूं, सर पे पल्ला, घूंघट से लेके एक छोटे से गांव से लेके एक राजस्थान परिवार की लड़की, मेरे जैसी हजारों शर्मीला ऐसे घरों में है जो बाहर आना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकी, अगर मैं हार गई, तो ये सब सारी दुनिया की सब लड़कियों की हार होगी, सब उन औरतों की हार होगी जो जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, पढ़ना चाहती है। तो इसीलिए ये सारा संघर्ष जो है, ये संघर्ष मेरे जीवन में कांस्टेंट रहा है, हर जर्रे पे रहा है। इनफैक्ट एक सीरियल आती थी बीच में टीवी पे, उतरन, और मुझे लगता है कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कहानी जिंदगी की मेरे ख्याल से हर औरत की है। आप अमेरिका की हिलरी क्लिंटन को ही ले लीजिए, या भारत की महिला को ले लीजिए, महिला महिला ही है, कितनी भी वो होशियार हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, पर बहुत बार दबाया जाता है, उन्हें बहुत बार चीजें आसानी से नहीं मिलती है, तो
तो यही चीज हिलरी क्लिंटन को भी नकारा गया, रिजेक्शन हुआ, तो मैं तो एक साधारण महिला थी, तो इसी सारी चीजों ने वॉरियर बना दिया, डिजिटल वुमेन वॉरियर। जिंदगी में यह हमेशा दिमाग में रहा है कि लोगों को या महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना है, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, हजारों लाखों महिलाएं आज उस प्लेटफॉर्म से बिजनेस करती है, ऑनलाइन बिजनेस करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि पर्सनली उन्होंने बुलाया, पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया, गुजराती में कहा वत्ता रेजो बेन, तमे वत्ता रेजो, तुम्हारो काम बहुत सरस छे। आप सोचिए कि ये शब्द, ये जज्बात, इन्होंने मेरी दुनिया को और खोल के रख दिया। ये कहां से आया? यह इनर पावर थी। जब प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुलाया, मुझे आज भी याद है, जब पार्लियामेंट में वो हर पिलार को जब मैं क्रॉस करके जा रही थी, तो पूरे फ्लैशबैक में मेरा बचपन, मेरी सारी वो कहानी कि मैं कहां से आई हूं, आसानी से कुछ भी नहीं मिला, हर चीज रिजेक्शन। मैरिज के बाद स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई किया, शादीशुदा थी तो रिजेक्शन हुआ। मेरे साथ सारे कॉन्वेंट के बच्चे होते थे, इंटरव्यूज में मैं फेल होती थी, गले में मंगलसूत्र होता था, साड़ी पहनी होती थी, तो बहुत बार सामने वाले को ऐसे लगता था, इंटरव्यूअर्स को, कि आई एम नॉट अ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। पर इन सब से लड़ी हूं, इन सब से लड़ी हूं, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपने रिसर्च प्रपोजल, ओरिजिनल आइडियाज और थॉट प्रोसेस को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट नहीं किया। हार्वर्ड की अपॉर्चुनिटी एज के 45 एज में ली है मैंने। हार्वर्ड का सपना भी बचपन में रहा है कि जैसे बैरिस्टर बनूंगी, हार्वर्ड का नाम मेरे नाम के पीछे लगेगा। यह डिप्लोमेट जो है, दुनिया के सिर्फ 27 डिप्लोमेट्स हार्वर्ड से बने हैं, जिसमें मेरा एक चयन हुआ, फुल्ली फंडेड, इन्वाइटेड, नॉमिनेटेड, सिलेक्टेड बाय दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जिन्होंने यह मुझे जो मौका दिया। तो ये सारे कामों का जो अनुभव है, सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, लीकॉन यू, जो कि पब्लिक पॉलिसी का जो एक बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटी है सिंगापुर का, उन्होंने मुझे वाटर लीडर इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी पे फुल फंडिंग पे इन्वाइट किया। पूरे लाइफ में सारा स्टडीज एजुकेशन स्कॉलरशिप के रहा, बावजूद सारे ऑड्स स्ट्रगल्स कुछ भी आसानी से नहीं मिला। शादी के बाद इंग्लैंड गई तो इवन समाज ने बॉयकॉट तक किया, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड, हमारी जो फैमिली है उसे बहिष्कृत किया, बहिष्कार किया गया। काफी लोगों ने बहुत देर तक बात तक नहीं की, ये सोच के कि अरे हमारी लड़कियां बिगड़ जाएगी, हमारी बहुएं बिगड़ जाएगी। यह सब थॉट प्रोसेस के बीच रहते हुए कि भाई मैं हमेशा ये चाहती थी कोई भी ये ना सोचे कि भाई मेरी बेटी बिगड़ जाए, बल्कि मेरी बेटी शर्मिला ओसवाल की तरह विदेश जाए, पढ़े, ऑक्सफोर्ड में जाए, हार्वर्ड में जाए, वो कुछ करे, जिंदगी में अपने पैरों पे खड़े रहे और करियर, हाउसवाइफ, घर, बच्चा, ये सब बैलेंस करके एक ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को छोड़ के कैनेडा जाके अपनी मंजिल को हासिल करना आसान नहीं था। आपने जो सवाल किया कि वॉरियर कैसे बनी, एक छोटा बेबी, मतलब मैं जब मां बनी मेरे बेटे को, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग था, एक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को छोड़ के कैनेडा जाना पड़ा। सिचुएशन, हालात बहुत बार ऑड रहे हैं, कुछ भी आसानी से नहीं मिला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, और उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कैनेडा जाना पड़ा। और हमेशा वो जुनून कि जिंदगी में कुछ बनना है, हमेशा गालियां खाई है, हमेशा लोगों ने कहा है मुंह काला करेगी, पिताजी को कहा, हस्बैंड को कहा, बहुत सारे सवाल उठे, और उन सब सवालों का जवाब देने के लिए यह संघर्ष जीवन में अविरत चलता रहा। पर इन सब के लिए, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए अगर किसी ने मुझे साथ दिया है तो वो है मेरी इनर पावर, विल पावर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। COVID-19 है मेरे जिंदगी में, जो हर पड़ाव पे मैंने जो सामना किया है, मुझे लगता है इस महामारी से कई ज्यादा बड़ी महामारियों का सामना मैंने अपनी जिंदगी में किया है। बीच में मूवी आया सांड, उस मूवी को देख के, सांड की आग बहुत बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखिएगा, हरियाणा की मूवी है, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स जहां पे महिलाओं को पढ़ाई नहीं की जाती है, उनको एनकरेज नहीं की जाता, उनकी जिंदगी एक भेड़ बकरे की तरह होती है, तो सोचिए उस भेड़ बकरे भरी जिंदगी से बाहर निकल के आप एक बारेट लॉ बनते हो, आप हार्वर्ड जाते हो, आप ऑक्सफोर्ड जाते हो, आप सिंगापुर जाते हो, आप आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल इन्विटेशन दिया, उनके साथ डिनर करने का मौका मिला, कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉन क्रिशो, उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन दिया,
भारत के प्रधानमंत्री ने काम को सराहा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सराहा, तो आप मुझे बताइए कि कहां रुकता है काम, कौन से क्राइसिस, क्राइसिस तो पूरी जिंदगी भर चलते आए हैं। COVID-19 भी आज है कल नहीं रहेगा, थोड़े टाइम के बाद हम ये कहेंगे कि अरे देखिए ऐसे पास्ट में हमारे हुआ था, तो ये भी पास्ट बन जाएगा, दिस टाइम ऑल्सो विल पास। पर हमेशा एक सवाल बना रहेगा कि क्या उस टाइम को हमने यूटिलाइज किया, क्या हमने उसका सदुपयोग किया, क्या हमने उस टाइम को, हमारी थॉट प्रोसेस को हमने इस तरह से अनुरोध किया कि जिससे हम हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। हाँ, मैं बनी हूँ वॉरियर, क्योंकि हालात ने मुझे वॉरियर बना दिया, हालात ने मुझे रिबेल बना दिया, एक क्रांतिकारी बना दिया। लोग हंसे, बहुत सारे हंसे, मजाक किया, पर उस मजाक ने मुझे एक हमेशा एक और नया आयाम दिया, नया पावर दिया, मेरे इनर पावर को, विल पावर को बढ़ाया। मुझे ऐसे लगा कि जितना लोग मेरे पे हंसे, जितना लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, उतनी मेरी विल पावर ज्यादा बढ़ी, इतना मेरा इनर पावर ज्यादा बढ़ा। तो दोस्तों, यह COVID-19 जो है, यह क्राइसिस नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। ये जितना लंबा टाइम भी है, जैसे आज हम सुन रहे हैं कि हमें सब जगह टीवी पे देख रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना है, जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव हम सब लोग जो जीते हैं, कोरोना भी उसी का ही नाम है, तो उसे हमने इतना ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। उसको सामना करके उसमें से प्रतिकार शक्ति को हम कैसे ज्यादा बनाए, हमारी इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रांग करें, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे रोज के रूटीन को हम कैसे चेंज करें, और अपने जीवन के बारे में हमारा ध्येय निश्चित करें, हमारे इंट्रोस्पेक्शन को हम एक फ्रेमवर्क करें, हम स्ट्रक्चर करें, और देखिए जिंदगी को कैसे एक नया आयाम मिलेगा, आपको एक नया पाथवे मिलेगा, और कारवा कैसे बनता चला जाएगा। That was the awesome webinar. Thank you, शर्मिला जी, इस वेबिनार में आने के लिए और हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। फ्रेंड्स, एज आई हैव शेयर्ड विथ यू माई लाइफ स्टोरी एंड माई इनर पावर एंड द जर्नी ऑफ बीइंग माई सेल्फ वॉरियर, हम बहुत प्रिविलेज्ड है, लकी है, फॉर्चुनेट है कि हम इंडिया में, हम एक ऐसी पावन भूमि में है। इन माई लाइफ आई हैड सेवरल ओकेजन्स टू एज अ वॉटर डिप्लोमेट टू ट्रेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड। In fact, I had an opportunity to attend and address the water security at Jordan, Israel and Palestine. Friends, हम बहुत lucky इसलिए है कि हम एक ऐसी country में कि जहां हम ये सामना नहीं कर रहे, water conflicts, water war, जहां रोज लोग मर रहे, आप टीवी पे देख रहे हैं गाजा पट्टी, या आप देखिए कहां कहां Palestine, क्या क्या हो रहा है, पर हमारे सामने ऐसे कोई challenges नहीं है। तो इन सारे odd situations में से मैंने जिंदगी में हमेशा एक सीखा है कि जो हमारे पास है, लेट्स बी ग्रेटफुल टू दैट, और हमेशा हमारी जो सृष्टि है, नेचर है, गॉड है, ईश्वर है, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया, जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, वजूद है, लेट्स बी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू वॉट एवर वी हैव, रादर देन क्रिपिंग कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब रोना बंद करके जो है, हमें जो मनुष्य मिला है, आप देखिए हैंडीकैप लोग, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, स्टीव जॉब्स को ले लो, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी दुनिया में कुछ कर जाते हैं, तो हमारे पास तो सब कुछ है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप नेल्सन मंडेला को देख लीजिए कि जिन्होंने इतने साल जेल में रह के अफ्रीका को फ्रीडम देने का जो उनका मूवमेंट रहा है, क्या सारे एग्जाम्पल्स हमें प्रेरित नहीं करते? आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, या झांसी की रानी को ले लीजिए, ये सारे ऑड टाइम्स में जिस स्वातंत्र्य को आज हम अनुभव रहे हैं, वो सारे एक बहुत हार्डशिप्स का एक रिजल्ट रहा है। तो क्यों ना हम इस COVID-19 को ये समझे कि इसको भी हमें सामना करके इसमें से कुछ अजूबा हमें हमारे लिए करना है, हमारा वजूद हमें नए सिरे से बनाया है, हमें हमारा एक नया पाथ हमें तय करना है, हमारी मंजिल की तलाश हमें करनी है, और इस साइलेंस को, इस पॉज को एक्सपीरियंस करके, अपना इंट्रोस्पेक्शन करके, अपनी नई डायरेक्शन में हमें चलना है। और इस चलते चलते मैं आपको यही कहूंगी कि इस इनर पावर को या इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के बाद आपकी जिंदगी में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं, मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन
जिंदगी सिर्फ उन्हीं की है जो मर कर भी जिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बियॉन्ड इमेजिनेशन टीम का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर बीइंग सो वंडरफुल लिसनर टू मी। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, जय हिंद, प्रणाम। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। जैसा कि इस वेबिनार के थ्रू शर्मिला जी ने बताया कि किस तरह से हम अपनी आंतरिक शक्तियों का यूज करके इनविंसिबल बैरियर बन सकते हैं जिससे हम अपने जीवन की सफलता की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वेबिनार आपको कैसा लगा हमारे YouTube चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।